अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे, अपने अपने घरों में आबाद होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरीके से आबाद रखे, खैरियत से रखें। चंद दिनों पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने डॉक्टर विल्किस की कुछ विंटर प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ की हैं और इनका रिज़ल्ट जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने जब इसको परचेज़ किया था और जब मुझे रिसीव हुई थी तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी। अब जबकि मुझे इसको यूज़ करते हुए तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए हैं तो मैंने सोचा चलिए इसका रिव्यू जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि इसको आप यूज़ कर सकें और मंगवा सकें, इसका रिज़ल्ट किस तरीके का है सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलिए तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने इनकी विंटर प्रोडक्ट मंगवाई थी इनका रिज़ल्ट किस तरीके का है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा आप लोगों से करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो। चलिए तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं तमाम चीज़ें आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें विंटर प्रोडक्ट में मंगवाई थी और उनका रिज़ल्ट जो है वो किस तरीके का मुझे मिला। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके यहाँ पर बॉडी लोशन की। आप लोग देख सकते हैं ये फेस और बॉडी लोशन है जो कि ये क्लेम करते हैं कि हम अपने फेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और हम अपने फुल बॉडी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हनी लोशन है, आपको फेयरनेस देगा, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़र करेगा, ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है और नेचुरल सनस्क्रीन भी इसके अंदर मौजूद है। ये हो गई एक बात और इसके अंदर पीछे तमाम इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो है यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं मौजूद हैं और हम इसको फेस के अलावा फुल बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आलमंड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, बीस वैक्स है, विटामिन ई है, अल्कोहल है, इसके अंदर सेट्रिक एसिड है, तमाम ब्यूटीफुल चीज़ें जो हैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स के अंदर मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात कि ये एक इस तरह की पम्प बॉटल के अंदर है, ऊपर भी एक कैप लगा हुआ है पम्प के ऊपर, ये देखिए जिसको आप आराम से रिमूव कर सकते हैं। और ये इस तरीके की ये देखिए पम्प के अंदर की जितनी हमें ज़रूरत है सिर्फ हम उतनी ही अमाउंट ले सकते हैं, ये हमारा वेस्ट नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पे अप्लाई भी करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए ये क्रीमी शक्ल के अंदर है, ऑफ वाइट कलर के अंदर है, वाइट नहीं है और इसकी स्मेल अच्छी है, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है, हनी टाइप की बहुत धीमी धीमी थी जिससे खुशबू आ रही होती वैसी है। और ये इस तरह सर्कुलर मोशन में अपने फेस पर अप्लाई कीजिए, अपने फुल बॉडी पर अप्लाई कीजिए, ये बहुत अच्छी तरीके से आपकी स्किन के अंदर जो है एब्जॉर्ब हो जाती है। और बहुत ही अच्छी इनकी ये प्रोडक्ट है, मुझे बहुत पसंद आई। आप इसको एक दफ़ा अप्लाई कर लीजिए तो 5 से 6 आवर जो है आपके ऐसे निकल जाते हैं, आपकी स्किन जो है 5 से 6 घंटे तो मॉइस्चराइज़र रहेगी बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप बार बार अपनी स्किन के ऊपर किसी किस्म का जाके लोशन लगाएं या कोई क्रीम लगाएं, क्योंकि सर्दियों के अंदर आप लोगों को पता है हमारी स्किन जो है वो बार बार ड्राई हो रही होती है और हमें बार बार क्रीम लगाने की ज़रूरत पड़ती है या कोई लोशन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसको अगर आप एक दफ़ा लगा लेते हैं तो आपके 6 से 5 घंटे जो आराम से निकल जाएंगे और आपकी स्किन जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हाइड्रेट रहेगी, मॉइस्चराइजर रहेगी। और जितनी ज़रूरत है आपने इसको यूज़ किया उसके बाद आपने इसको सेव करने के लिए दोबारा से इसको कैप लगा के इसको लॉक कर दिया तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, लगाने पर रिज़ल्ट भी इसका बहुत अच्छा है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड चीज़ जो इनकी यहाँ पे हमने यूज़ की ये सन ब्लॉक। आप लोगों को पता है कि समर हो विंटर हो हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है सन ब्लॉक, क्योंकि सन ब्लॉक जो है हमें यूवी रेज से बचाता है, हमारी स्किन पर डार्क स्पॉट्स वगैरह को नहीं आने देता है, जो भी सूरज की हार्मफुल शुआएँ होती हैं उससे हमारे फेस को ये महफूज रखता है। ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर जाएं तभी हम सन ब्लॉक को यूज़ करें, नहीं, हम अपने घर में भी यूज़ इसको कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि घर में भी आप लोगों को पता है हम किचन के अंदर जाके हीट का काम करते हैं, ये चूल्हे के पास जाके, तो वो भी हमारी स्किन को डैमेज करने का एक बायस बनती है, तो हमें सन ब्लॉक जो है या सन स्क्रीन जो है वो यूज़ करनी ही चाहिए। तो ये भी आप देख सकते हैं कि मैं तकरीबन ऑलमोस्ट इतनी जो है यूज़ कर चुकी हूँ, इतनी मेरी फिनिश हो गई है। ये भी इस तरह के कैप इसके ऊपर लगा हुआ है, अंदर से इस तरह के पंप के अंदर जो है ये मौजूद है कि जितनी अमाउंट आपको चाहिए आप उतना यूज़ कीजिए, दोबारा कैप लगा के रख दीजिए ताकि आपकी चीज़ जो है प्रोडक्ट जो है वो सेफ़ रहेगी। तो चलिए मैं आपको इसको इस वाले हैंड पर अप्लाई करके दिखा देती हूँ। जितना पंप आपको चाहिए, मैंने एक पंप यहाँ पे लिया है और ये बिल्कुल वाइट उसके अंदर है, देख लें, और बिल्कुल अच्छी तरीके से ये एब्जॉर्ब हो जाती है। जिन लोगों ने तिब्बत सिनो यूज़ की है तो वो इसको लगा के
महसूस करेंगे कि जैसे वो तिब्बत सिनो ही अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें, क्योंकि इसका टेक्सचर, इसकी स्मेल सब कुछ बिल्कुल वैसी ही है जैसी तिब्बत सिनो की, क्योंकि तिब्बत सिनो आप लोगों को पता है कि बहुत ही मशहूर क्रीम है और हम सब ने यूज़ भी की होगी, मैंने भी बहुत की है। और इसकी जो सनब्लॉक की स्मेल है, इसका टेक्सचर जो है वो मुझे तिब्बत सिनो की ही याद दिलाता है कि जैसा लगता है कि जैसे मैं अपने फेस के ऊपर तिब्बत सिनो जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। और इसके अंदर हल्की सी वाइट कास्ट है, ये देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की सी इसके अंदर वाइट कास्ट से अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको अलग से फाउंडेशन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मली घर में मेकअप अप्लाई करती हैं बहुत लाइट सा, तो ये आपके फाउंडेशन का भी जो है वो काम देगा, क्योंकि इसमें बहुत मामूली सी वाइटनेस है जो काफ़ी अच्छी लग रही होती है, आपको अलग से कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है और आपकी स्किन के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से ये पेनिट्रेट हो जाती है। तो इनका सनब्लॉक भी है जो मुझे बहुत पसंद आया। और अमाउंट आप देखिए कि कितनी फुल बॉटल है, अमूमन हम जब परचेस करते हैं दूसरी ब्रांड के तो वो बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं और थोड़ी क्वांटिटी के अंदर भी होते हैं ये, लेकिन ये 150 ml के अंदर बहुत बड़ी बॉटल है जो कि अच्छे खासे मुझे लगता है कि मंथ मेरे चल जाएगी। और अभी तक आप देख सकते हैं कि तकरीबन 20 दिन होगा अभी इतनी सी हुई है, तो ये मेरे अच्छे 3-4 महीने हो सकता है, इससे भी ज़्यादा ये मैं यूज़ कर लूँ। जी जनाब, तो इसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं इनकी वाइटनिंग क्रीम की। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक वाइटनिंग क्रीम इन्होंने मुझे सेंड की थी जो कि इस तरह ट्यूब फॉर्म के अंदर है, सिर्फ यहाँ पर एक रेपर कागज़ का जो है लगा हुआ है, ये देखिए, बाकी इसके ऊपर कुछ भी नहीं, इंग्रेडिएंट्स वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं है कि इसके अंदर क्या चीज़ इंक्लूड की हुई है, सिर्फ यहाँ पे वाइटनिंग क्रीम लिखा हुआ है, लाइट योर स्किन अप टू ब्राइटनिंग योर ब्यूटी, यानी कि आपकी स्किन को वाइट करता है, ब्राइट करता है। और यहाँ पे इसकी प्राइस जो है वो मेंशन की हुई है, इसके अलावा किसी और प्रोडक्ट पर इनकी जो प्राइस वगैरह वो मेंशन नहीं है, सिर्फ इस वाइटनिंग क्रीम के ऊपर और एक दूसरी जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर इनकी प्राइस जो है मेंशन है। तो ये 600 की है और आप देख सकते हैं कि ये इस तरह की पैकेजिंग के अंदर है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सबसे बड़ा रीज़न तो इसके ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं है कि इसके अंदर क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं, हम अपने फेस पे कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मौजूद है वो हमें पता ही नहीं है। हालांकि एक हर्बल प्रोडक्ट है लेकिन फिर भी इसके अंदर तमाम चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। आप हर्बल प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ उसके अंदर मौजूद है, तब यहाँ सब कुछ यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। अच्छा, ओपन करने पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की क्रीम है। आपको प्रेस करने पर महसूस हो रहा होगा कि मैं इतनी जो है इसको यूज़ कर चुकी हूँ, इसको मैंने अपने फेस के अलावा फैमिली में किसी और को भी यूज़ करवाया ताकि मुझे इसका बेस्ट रिजल्ट जो है मिल सके कि ये वाइटनिंग आपके फेस पर फ्राम कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो हम फैमिली में दो अफराद ने इसको यूज़ किया, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि देखिए इसमें थोड़ी सी क्वान्टिटी बची है, तकरीबन इतनी ही हमारे पास मौजूद है, बाकी ऑलमोस्ट हम इसको यूज़ कर चुके हैं। ये भी एक क्रीमी टेक्सचर के अंदर है, ऑफ वाइट कलर के अंदर है और बहुत थोड़ी सी लेके आपकी स्किन के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाती है, ये देखिए। लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके फेस पे, यानी कि 20 से 25 दिन हो जाए और कोई भी आपको रिज़ल्ट ना मिले। इसका थोड़ा बहुत तो मिलना शुरू हो ही जाता है जो भी आप क्रीम यूज़ करो, लेकिन ये बिल्कुल ज़ीरो। इसकी स्मेल भी इतनी कोई ख़ास नहीं है, इसकी स्मेल लगाने के बाद ऐसी होती है कि बस जाके फ़ौरन धो लें आप, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आई। लेकिन ज़ाहिर है आप लोगों के साथ शेयर करना था और इसको आपको बताना था कि ये किस तरीके की क्रीम है, तो ज़ाहिर है हमने इसको यूज़ किया और जो रिज़ल्ट है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि हम इतनी ही यूज़ कर चुके हैं, इतनी ही रह गई है ये बस ख़त्म होने के लिए, फिनिश होने के लिए। बाकी मुझे ये क्रीम अच्छी नहीं लगी, 600 की ये वेस्ट ऑफ मेरे लिए मनी है कि मेरे पैसे जो हैं वो गए पानी के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लिप बाम की। यहाँ भी देखिए, लिप बाम प्रोवाइड मॉइस्चराइज़र गेट पिंकिश एंड यूज़फुल फॉर एंड क्रैक लिप। अगर आप लोगों के लिप्स जो हैं वो क्रैक होंगे, जो अमूमन हमारे विंटर्स के अंदर हो ही जाते हैं, सब लोगों के हो रहे होते हैं, हो जो हैं वो फट जाते हैं हमारे लिप्स जो हैं, तो उसको ये काफ़ी अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़र करेगा और आपकी स्किन लिप्स को पिंकिश जो है वो कलर देगा। तो जब मैंने इसको ओपन किया, देखिए कितनी छोटी सी ये बॉटल है और इस पर भी इनकी प्राइस जो है मेंशन है, आई होप आप लोगों को नज़र आ रही होगी, 200 इसकी प्राइस है। तो इसको ओपन करने पे ये अंदर से इतनी सी ही क्वांटिटी हमें मिली, ये देखिए ये तकरीबन ख़त्म हो गई है, ये देखिए अंदर से भी आपको होल नज़र आ रहा होगा। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा और मैंने इसको अप्लाई करने की कोशिश की तो ये बहुत हार्ड थी, यानी कि इतनी ईजीली आप इसको ले कर, जैसे हम बाकी लिप वगैरह जो आप यूज़ कर रहे हैं लिप बाम वगैरह, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, आपने इसको लिया और फ़ौरन अप्लाई कर लिया, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं था, ये थोड़ी सी हार्ड थी जिसको आप काफ़ी प्रेस करके ले रहे थे फिर अपने
लिप्स के ऊपर आप इसको अप्लाई करेंगे। तो जब मैंने इसको देखा और मैंने कहा नहीं ये तो बहुत हार्ड है और हो सकता है ये हमारे लिप्स के ऊपर कोई वर्क ना करे, लेकिन आप दोस्तों यकीन मानेंगे इसने इतना अच्छा काम किया लिप्स के ऊपर कि आपके लिप्स जो हैं एकदम सॉफ्ट हो गए बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छी तरीके से इसने आपके लिप्स को जो है वो मॉइस्चराइज़र करेगा। बहुत ही अच्छा मुझे ये प्रोडक्ट लगा यूज़ करने के बाद। जब ये देखने में मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था कि ये इतना अच्छा हो सकता है रिज़ल्ट ना दे, लेकिन जब मैंने इसको लेके थोड़ा सा अप्लाई किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक फॉर्म के अंदर, तो लेकिन वाकई आप यकीन माने कि इसने मुझे रिज़ल्ट दिया और बहुत ही अच्छे आपके जो लिप्स हैं वो हो जाएंगे। तो ओवरऑल तमाम प्रोडक्ट मुझे इनकी अच्छी लगी डॉक्टर बिल्किस की, सिवाय इस वाइटनिंग क्रीम की। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि फैमिली में किसी को भी ये पसंद नहीं है क्योंकि इसका रिज़ल्ट ही कुछ नहीं है। बाकी इन तीनों ने मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट किया। मैं इसको आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप इनकी विंटर प्रोडक्ट के अंदर बॉडी लोशन, लिप बाम और सन ब्लॉक तो ज़रूर ही परचेज करें। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और बहुत देर पर आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, यानी कि आप इसको अप्लाई करें तो काफ़ी देर तक आपके जो हैंड है आपका फेस वगैरह जो है वो मॉइस्चराइजर रहेगा, बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप इसे भी यूज़ करना चाहें तो इसको मंगवा के यूज़ कर सकते हैं, हो सकता है कि आपके फेस पे ये काम कर जाए। मेरे फेस पे तो इसने बिल्कुल कोई वर्क नहीं किया, हो सकता है आपके फेस पे ये वर्क कर जाए। आई होप आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी और ये मेरी काविश पसंद आई होगी, मेरी मेहनत जो मैंने इतने अरसे इसको यूज़ किया और फिर आप लोगों के साथ शेयर किया, मेरी ये काविश छोटी सी काविश आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो और आप उससे मज़ीद फ़ायदा उठा सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।